अफसोस कि मेरे तमाम बहादुर और सिपे सलार और जगंजू सरदार, जिनको सिर्फ मैं ही नहीं पूरा जमाना जानता था, जिनकी बहादुरी और वीरता का तमाम आलम सिक्का मानता था, इस मुश्किल घड़ी में मुझे अकेला छोड़कर 30% है वो स्वर्ग सिधार गए और अपने फर्जे मंसूबे अपने सिर से उतार गए। मेघनाथ जैसे बेटे मुझको छोड़कर चले गए। लंका के गली मोहल्ले कूचों तक जहां तक आवाज जाती है, चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आती है। कोई दुखिया माता अपने लफ्ते जिगर को याद कर कर रो रही है, कोई बदनसीब स्त्री अपने पति के वियोग में अपने प्राण खो रही है, कोई बहन अपने भाई को याद करके आंसुओं से मुक्त हो रही है। इस कदर बर्बादी और तबाही के बाद भी अगर लड़ाई का नतीजा मेरे हक में अच्छा होता तो अपने जान निसारों को इस कदर ना रो रहा होता। मगर यहां तो वही बात हुई, ना खुदा मिला और ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। दरअसल इस मनहूस सीता के कदम ही ऐसे हैं, जिस जगह ये अपने कदम रखेगी तबाही और बर्बादी अपने साथ लाएगी। जब तक बाप के घर में रही उस बेचारे को भी 100-100 मुश्किलों में डाला, शादी हुई तो पति को घर से निकाला, ससुर को भी इसी ने ही खाया और देवर को भी इसी ने मुसीबत में डाला। और जब यहां आई तो लंका की ईंट से ईंट बजा दी। खैर, मेरी बर्बादी में तो कुछ कसर नहीं रही, लेकिन मैं भी इसका और इसके पापों का खात्मा ना कर दूं तो मेरा नाम भी रावण नहीं। पिताश्री प्रणाम। पुत्री, पुत्री, मैं मानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, परंतु शांति ही करो बेटी। इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए कोई नहीं रह सकता। अरे, तेरे पति ने तो मेरे और तेरी नाम को रोशन किया है, कर्तव्य करके वीर जो बलिहार हुए, मैं अपनी जाति के लिए श्रृंगार हुए।
हवा है जब वो ऐसे थे, जब भी उनकी याद मेरे हृदय से नहीं जाती थी। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आपकी सेवा में आई हूं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अरे प्यारी बेटी, तू क्यों रोती है? ये क्या करुणा नदी बहाई है? बल्कि तू तो उसकी प्रिय पत्नी है जिसने वीर गति पाई है। जनानंद का बदला लेने को मैं भी समर में जाता हूं। एक शीश के बदले लाखों शीश जाता हूं। पिताजी, मुझे किसी की शीश की जरूरत नहीं है। यदि आप इतनी कृपा करते हैं कि सिर्फ मेरे स्वामी का ही शीश ला दीजिए और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए। महाराज, इस समय यह पुत्री केवल शीश को चाहती है। इच्छा न किसी की शीश की है, बस अपने पति का शीश ही चाहती है। वो गए वीर गति पाकर के मैं नारी धर्म निभाऊंगी। पति का सिर साथ चिता में ले मैं अनंत सती हो जाऊंगी। पुत्री, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं रामचंद्र के आगे भीख मांगूं? माफ करना, ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता। रावण इंतकाम लेना जानता है, किसी के पैरों में गिड़गिड़ाना नहीं जानता। एक शीश के बदले लाखों शीश का अंबार लगा दूंगा। एक केक को मौत के घाट उतार दूंगा। परंतु मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहती हूं। अच्छा, नमस्कार।